तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ एनिमेटेड मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 1 घंटा 23 मिनट की है। अब मेरा एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है कि आप लोगों को इस मूवी को देखने के लिए कितना टाइम लगेगा। अरे आपने अभी टाइम तो बताया ना 1 घंटा 23 मिनट। अरे ऐसा नहीं है कि जब आप इसे देख लो तब बताना कि आपको कितना टाइम लगा। खैर मैं अपना टाइम बता देता हूं कि मुझे इस मूवी को देखने में मुझे कितना टाइम लगा। 2 दिन भाई साहब, 1 घंटा 23 मिनट की मूवी को देखने के लिए 2 दिन लग गए मुझे। जहां पर एक एनिमे जिसके अंदर 20 से 24 एपिसोड होते हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 23 से 25 मिनट की होती है, उस एनिमे सीरीज को एक एक दिन में देख के खत्म कर देते हैं, वहां पर एक एनिमेटेड मूवी जो 1 घंटा 23 मिनट है उसको देखने में यार 2-2 दिन लग रहे हैं यार। कमाल का कंटेंट है, कमाल की स्टोरी है यार। और उससे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने इसके बारे में IMDb के ऊपर सर्च किया, वहां पर इसमें रेटिंग 7.5 out of 10 इसको मिली। अबे भांग पीकर इसको रेटिंग दे रखी थी क्या यार? कुछ कहानी वानी का पता है या नहीं है? देखते नहीं हो गया मूवी को। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि यार इस एनिमेटेड मूवी के अंदर ना कोई कहानी है, ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ना कोई हॉरर है, ना कोई थ्रिलर है, ना कोई सस्पेंस है, ना कोई इमोशन है। काहे बनाई यार ये मूवी? खैर जब IMDb के ऊपर मैंने इसकी रेटिंग देखी तो उससे भाई मेरा दिमाग हो गया बहुत खराब। मैंने कहा यार इस मूवी को इतनी ज्यादा रेटिंग कैसे मिल सकती है जिसको 1 मिनट भी बर्दाश्त, मतलब थोड़ा टाइम तक तुम बर्दाश्त कर पाते हैं, 1 मिनट कहने में आता है, तो इससे ज्यादा मतलब इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, उसको इतनी ज्यादा रेटिंग जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। बट खैर मैंने इसके जब रिव्यू पढ़े IMDb के ऊपर, वहां पर जाके मुझे थोड़ी बहुत शांति मिली और लगा कि हाँ यहाँ जेन्युइन है, वहां पर सच लिख रखा है इस एनिमेटेड मूवी के बारे में। भाई साहब ये कैसी मूवी है? खैर थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर चुड़ैल रहती हैं और उन चुड़ैलों को मारने के लिए विचर रहते हैं, और उन्हीं विचर में से एक वैसमीर नाम का एक विचर है। खैर जब ये बच्चा होता है तभी इसके मन में ऐसा होता है कि यार मैं बड़ा होकर विचर बनूंगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पैसे हैं और पैसे कमाकर अपनी लाइफ को सही कर लूंगा। बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी ये चलती है। और एक विचर ऐसी आती है जो लोगों को मारना शुरू कर देती है और उसको रोकना होता है। वाह क्या यूनिक है, अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी हमारे सामने रखी गई है। मैंने शायद ही कोई इससे घटिया और वाहियात स्टोरी या कैरेक्टर डेवलपमेंट एनिमेशन में देखी होगी, मतलब एनिमेशन कोई मूवी एनिमेशन कोई सीरीज के अंदर ऐसी देखी होगी जिसमें इतना बकवास सा मुझे देखने को मिल रहा है। और एक ही चीज जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी वो है इसकी एनिमेशन। नो डाउट एनिमेशन काफी अच्छी है तो उसकी तारीफ करना बनता है। अब यार देखो मुझे इस एनिमेटेड मूवी को देखते वक्त जो फील हुआ, शायद आप लोगों को फील अलग हो सकता है कि मुझे कैसे, जब ऐसा देख रहा था तो मुझे लग रहा था यार इसके अंदर कहीं ना कहीं लैग हो रहा है, यहां पर फ्रेम रेट कम रखी गई है। ये एनिमे जो जैपनीज एनिमे देखते हैं तो उसके अंदर वैसा फील नहीं होता, शायद हम उसके आदी हो गए या मैं उसका आदी हो गया तब शायद मुझे वैसा फील नहीं होता। लेकिन जब भी मैं कोई अमेरिकन या फिर वहां की कोई एनिमेटेड मूवी एनिमेटेड सीरीज देखता हूं तो ऐसा फील होने लगता है कि यार यहां पर लाया गया, यहां पर फ्रेमवर्क थोड़ा कम किया गया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कहीं लैग लगा या फिर शायद ये मेरा ही वहम हो सकता है। पर इस एनिमेटेड मूवी के अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा है, एडल्ट सीन भी है इसके अंदर, तो बच्चे तो भाई साहब वैसे भी इससे दूर ही रहे। ये आप लोगों को इंग्लिश में ही मिलेगी, इंग्लिश सबटाइटल मिलेंगे, साथ ही साथ और भी सबटाइटल आप लोगों को मिल जाएंगे अलग अलग भाषा के, लेकिन हिंदी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना हिंदी डब है ना हिंदी सब। खैर ऐसी मूवीज में ना हिंदी में आए तो ज्यादा बेटर है। अब ये जितना भी मैंने कहा है वो भाई मेरा ओपिनियन है, शायद आप लोग मेरे ओपिनियन से सहमत नहीं हो सकते हैं और आप लोगों को ये मूवी पसंद आ सकती है, तो खैर मुझ पे मत बोल देना कि यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तूने मुझे नहीं पसंद आई, इसलिए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आपको पसंद आ सकती है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, गाली गलौज नहीं करने का है, समझ में आया। और एनिमेशन के अंदर इतना ज्यादा वाइड एंगल है, इतनी ज्यादा डायमेंशन है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसका क्यों नहीं किया गया है यार? अच्छा खासा उसका यूज कर सकते थे। खैर मेरी तरफ से इस एनिमेटेड मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10 star बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन, यार वो अच्छी है इसके अंदर। यार अगर आप लोगों ने ये एनिमेटेड मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगे, अगर नहीं देखी है तो रिव्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को ऐसी इच्छा है कि मुझे ये विच वाली, हंटर वाली ऐसी मूवी देखनी है, ऐसी एनिमेटेड मूवी देखनी है, तो शायद आपको कौन रोक सकता है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।